वेलकम टू रचना पैराडाइज। मैं रचना पैराडाइज में आपका वेलकम करती हूँ। और अभी मैं टेरेस पे हूँ, आई होप आप देख सकते हैं। एंड थोड़ा सा मैं तैयार हूँ, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था ना कि जनवरी में हमारे घर में बहुत फंक्शन होते हैं। तो आज है 29 जनवरी। आज जो मेरी दीदी की बेटी है गौरी, आई होप आप सबको याद होगा, उसका बर्थडे है। एंड मेरे भाई भाभी की मैरिज एनिवर्सरी है। तो आई एम रेडी टू गो देयर। बस थोड़ा छत पे आइए, थोड़ा धूप लेने के लिए हेयर वॉश किए थे एंड थोड़ा मेकअप जो थोड़ा बहुत मुझे आता है। एंड बस जाऊंगी। और हमेशा यू नो मुझे लेट हो जाता है जाने में, एवरी वन कंप्लेन्स की हमेशा लेट आती है मेहमानों की तरह। तो आज सोचा कि थोड़ा सा जल्दी चलती हूँ, फिर भी 1:30 ऑलमोस्ट हो रहा है, 2:30 तो हो ही जाएगा। तो देखती हूँ, यू नो घर में छोटे मोटे बहुत सारे काम होते हैं कि मैं चाह कर भी नहीं निकल पाती जल्दी। एंड फिर सब कंप्लेन करते हैं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। बट तो अभी मैंने एक वुलन कुर्ती पहनी है एंड शॉल है, दुपट्टा ले लूँगी। अभी तो धूप है बट हवा चल रही है, तो जब ये एंड बस बाइक पे जाने में हवा ज़्यादा लगती है, तो चलती हूँ। और वहाँ कितना शूट कर पाऊँगी मुझे नहीं पता। बहुत दिन के बाद मैं थोड़ा लंबे समय के लिए जा रही हूँ, मतलब लंबा समय। जैसे अभी मैं मान लीजिए 3 बजे पहुँची, तो फिर मैं वही 8-9 बजे करीब आऊँगी, 9-10। तो जितना भी है शूट करूँगी, जितना कर पाऊँगी उतना करूँगी डेफिनेटली आप लोग के साथ। एंड जुकाम अभी भी है एंड हवा देख सकते हैं कितनी ज़्यादा चल रही है, तो थोड़ा सा ठंड इस वजह से लगती है ज़्यादा। अगर ये इस धूप में हवा ना हो ना, तो काफ़ी अच्छी धूप है यहाँ पर इस समय। तो बस चलती हूँ और जब मैं फाइनली निकलूँगी तब शूट करूँगी या फिर वहाँ पहुँच कर शूट करती हूँ, देखती हूँ कैसा है। एंड गिफ्ट वगैरह मैंने कुछ एक दो चीज़ें ले ली हैं, बस मुझे थोड़ा सा कुछ एक सामान और लेना है गौरी के लिए, तो मैं रास्ते में जब से मैं ले लूँगी। तो अगर हो सका कोई गिफ्ट शॉप पर मैं रुकी तो शूट करूँगी। बस चलते हैं, देखते हैं, घर पर मिलते हैं। ठीक है, चलती हूँ, घर पे मिलती हूँ, बाय बाय। तो गाइस सब पूरी तरह से ऑलमोस्ट रेडी हो गई, मैं बस रेडी टू ली एंड हेयर ड्राई कर तो सिंदूर लगा लिया, दुपट्टा ले लिया एंड हवा काफ़ी ज़्यादा चलने लगी है, तो शॉल भी ले लूँगी एंड एक एक्स्ट्रा स्वेटर रात के लिए। ज़्यादा दूर नहीं बट फिर भी बाइक पर ठंड लगती है, तो रिस्क क्यों लेना है, अपना ख्याल खुद को ही रखना होता है। एंड मैंने तो रेजोल्यूशन भी लिया था, दो आई एम नॉट एबल टू यू नो फुलफिल अच्छी तरह से, बट ट्राई करती हूँ। एंड लंच बन चुका है वहाँ पे छोले भटूरे, तो बस अब देर से बाकी चलते हैं और लजीज छोले भटूरे का आनंद उठाते हैं। तो अब मैं आपको मिलती हूँ पापा के घर पे, यानी कि अपने मायके में। मेरे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब तो करना पड़ रहा है अगर आपने नहीं किया है। तो चलिए मिलती हूँ, बाय बाय। तो हम उसके बाद घर आ गए थे और देख सकते हैं आप डेकोरेशन तो सेम ही है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, और सिर्फ बैलून से ये डेकोरेशन कर दीजिए ना तो काफ़ी अच्छा लगने लगता है रूम। और हमने तो बैलून के संग और भी डेकोरेशन किया था, तो कुल मिलाकर काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, डिसेंट एंड खूबसूरत। ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा कर दिया। तो यहाँ पर दो सेलिब्रेशन हैं एज यू नो, तो दो केक हैं, एक है मैरिज एनिवर्सरी का केक, एक है गौरी का बर्थडे का केक। तो गौरी के बर्थडे का केक पहले कट होगा, तो टीका लगाने का कार्यक्रम आप देख सकते हैं शुरू हो गया है। अब तक तो शायद आपको मालूम चल गया होगा कि हमारे यहाँ कोई भी सेलिब्रेशन हो पहले उसको टीका किया जाता है, जिसका भी वो फंक्शन है, तो बस वही हो रहा है और किया सबने था। मैं कुछ कुछ लोगों को आपको दिखाऊंगी, क्योंकि सबका दिखाने लग गए ना तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और काफ़ी खूबसूरत केक है, आप देख सकते हैं, ये है मैरिज एनिवर्सरी का केक, येलो एंड रेड कलर में हार्ट शेप, क्योंकि मैरिज एनिवर्सरी है। बहुत ही प्यारा, वाइब्रेंट, यू नो बहुत ही प्यारा, और टेस्टी भी उतना ही था। सॉरी। एंड चॉकलेट से जो डेकोरेशन है ना, बहुत प्यारा लग रहा है। तो दूसरा केक है वो है गौरी के बर्थडे का केक। तो बस यू नो अभी भी देख रही हूँ तो मन कर रहा है खाने का। ये है वाइट कलर में और काफ़ी खूबसूरत, दोनों ही केक काफ़ी प्यारे हैं, अपनी अपनी जगह पे दोनों हैं और टेस्टी भी बहुत थे। तो बस अब पहले हम गौरी के बर्थडे का केक कट करेंगे, क्योंकि गौरी का बर्थडे पहले आता है, मतलब पहले आता है इन द सेंस कि मैरिज तो बाद में हुई थी, इसीलिए। ये मेरे हस्बैंड है, ये गौरी को टीका कर रहे हैं, गौरी के छोटे मौसा जी। और सभी लोगों ने इसी तरह किया था और अच्छा लगता है, यू नो वीडियोस जब हम ये बनाते हैं सेलिब्रेशन के खास तौर पे, तो जब बाद में इनको हम देखते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। फिर बॉबी ने किया, गौरी के भाई ने, और ये रही मैं आपकी रचना पैराडाइज की रचना। और यू नो घर में फंक्शन होता है इतना ज़्यादा, मतलब तैयार तो होते हैं बट इतना कुछ वो नहीं होता है, तो मेरा हाल भी कुछ ऐसे ही है, प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। ये नहीं गौरी की मामी जी, गौरी के मामा,
और सबने किया था, नाना ने भी सबने, तो बस अब फाइनली केक कट हो रहा है और हम सब यू नो और हम सभी क्या आई थिंक आप लोग भी जब केक कट होता है तो बस सब लोग किस बात का इंतज़ार करते हैं और केक कटने का, और जिसका बर्थडे है वो गिफ्ट का, तो गौरी अपने गिफ्ट संभाल रही हैं सारे और काफ़ी खुश थी, और गिफ्ट मिलता है तो कौन खुश नहीं होता है। बस अब उसके बाद बारी आ गई है भाई भाभी की टीका करने की, तो पहले मेरे हस्बैंड कर रहे हैं और उसके बाद हम सभी लोग करेंगे, मतलब सबसे पहले पापा ने किया था, उसके बाद सभी लोग कर रहे हैं धीरे धीरे एक एक करके, और उसके आरती उतारने का ये एक हमारा रिवाज है, कह सकते हैं रिवाज है या पता नहीं, हम लोग करते हैं। बस दोनों भाई भाभी इनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, इसी तरह से जो भी बड़े हैं सबके पाँव छू के वो आशीर्वाद लेंगे टीका करने के बाद। और मेरी भाभी कितनी ज़रा प्यारी लग रही है ना, देखिए आप लोग बताइएगा ज़रूर मेरी भाभी आपको कैसी लगी। वैसे तो आप लोग पहले भी देख चुके हो करवा चौथ की वीडियो में, फिर भी आप लोगों ने तारीफ़ नहीं की मेरी भाभी की, जस्ट जो कि बहुत प्यारी हैं वो तो हैं ही। और बस आप लोग भी प्रे कीजिएगा कि उनकी ज़िंदगी ऐसे ही हंसी खुशी बीती रहे, जो भी कुछ ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं वो जल्दी से चली जाएँ, आए ना ज़िंदगी खुशहाल रहे। और गौरी के लिए भी प्रे कीजिएगा, उसको आशीर्वाद दीजिएगा कि गौरी यू नो अभी तो उसकी लाइफ जस्ट स्टार्टेड है, उसकी पढ़ाई अच्छे से हो, स्वस्थ रहे, जीवन में कुछ ऊँचा अच्छा नाम कमाए। तो अभी ये भाई भाभी केक कट करेंगे, और खाने का क्लिप मैंने नहीं लिया क्योंकि खाना का टाइम जब आता है ना तो मुझे वापस आने की इतनी जल्दी होती है कि बस जल्दी से खाना खा के मैं निकल लेती हूँ वहाँ से, सो मतलब रात हो जाती है ना, इसलिए बस सब केक कट होने के बाद एक दूसरे को खिलाएँगे, सबको खिलाएँगे एंड थोड़ी बहुत मस्ती जो होती है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहिए, बाय बाय।